अगली खबर में बात करते हैं छात्रा को अगवा करने को लेकर। बीनागंज पुलिस चौकी क्षेत्र में शुक्रवार सुबह कोचिंग जा रही नाबालिग छात्रा को अगवा करने की कोशिश की गई। बच्ची किसी तरह भागकर घर पहुंची और पिता को जानकारी दी। इधर जब पिता बच्ची को बाइक से छोड़ने आ रहे थे तो उसने अगवा करने की कोशिश करने वाले दोनों युवक युवती को पहचान लिया। इस पर स्वजनवा ग्रामीणों ने आरोपित युवक युवती को पकड़कर खंभे से बांध दिया और 100 डायल को सूचना दी। वहीं ग्रामीणों ने हाईवे पर पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए जाम लगा दिया। करीब आधा घंटे बाद पुलिस के उचित कार्यवाही के आश्वासन पर जाम खोला गया। जानकारी के अनुसार चांचौड़ा थाना क्षेत्र के लहरचा गांव में रहने वाली 11 वर्षीय छात्रा पायल मीना शुक्रवार सुबह रोज की तरह बीनागंज कोचिंग आ रही थी। उसने बताया कि एक युवक और युवती ने उसे पकड़कर जबरदस्ती ट्रक में बैठाने की कोशिश की, लेकिन वह किसी तरह उनके चंगुल से छूटकर घर भाग आई। इधर बालिका के पिता राम स्वरूप मीना ने बताया कि इसके बाद वह बेटी को खुद बाइक से कोचिंग छोड़ने जाने के लिए निकले। जब उसे लेकर आ रहे थे तो बच्ची ने उन दोनों युवक युवती को पहचान लिया। इसके बाद अपहरण का प्रयास करने वाले दोनों युवक युवती को पकड़ा और 100 डायल को सूचना दी। इधर कार्यवाही की मांग को लेकर हाईवे पर चक्का जाम भी कर दिया गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम खुलवाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण हाईवे से हटने को तैयार नहीं थे। इसी बीच SDOP दिव्या राजावत घटना स्थल पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाइश और उचित कार्यवाही का भरोसा दिलाकर जाम खुलवाया। वहीं बीनागंज पुलिस चौकी में दोनों आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज करने की कार्यवाही की जा रही है। इधर अपहरण के प्रयास में पकड़ी गई युवती का कहना है कि वह ट्रक से उतरी थी, तभी बच्ची आ गई, जिसे लगा कि मैं उसे पकड़ रही थी, जबकि ऐसा नहीं था। पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है। वहीं पुलिस अब कोचिंग संचालकों की बैठक लेकर CCTV कैमरे आदि सुरक्षा के कदम उठाने की तैयारी भी कर रही है।